तो हेलो गाइस, हम आज और एक और एपिसोड के आ गए हैं, एक और एपिसोड लेके आ गए हैं फिक्स टू रश के साथ। और अगर आपके पास भी कोई रश बेस हो जिसका आप फिक्स करना है तो इस सीरीज़ को आप अटेंड कीजिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी इसके वीडियो बहुत सारे आएंगे। तो आज का वीडियो हम अगर देखा जाए तो स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं। मैं 5 बॉलर क्यों लेके जा रहा हूँ मेरे को नहीं पता, लेकिन ये स्ट्रैटेजी काफ़ी मेरे को, हाँ तो अगर देखा जाए तो जायंट और विजार्ड मेरे को काफ़ी अच्छे लगे हैं, तो मैं करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आज यार इसमें क्या डालूँ, तो मैं जाहिर सी ये दोनों में से एक डालने वाला हूँ। करेंगे भाई, आज बहुत सारे अटैक तो नहीं करेंगे लेकिन 2 अटैक तो जरूर कर ही देंगे। तो चलो भाई, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे एक धासु आड़वा तिड़वा बेस ढूंढने के बाद। तो गाइस इस देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो बम बड़ाड़ दंदनाड़ लूट है। और अगर देखा जाए तो इस लूट अगर देखा जाए 2, 3 या 4 साइड पूरी की पूरी बटी हुई है। तो यहाँ पे इधर करेक्टर इधर से भी थोड़ी सी लूट मिल सकती है, इधर से भी थोड़ी सी लूट, इधर से भी थोड़ी सी लूट मिल सकती है। मेरे को ऐसा करना पड़ेगा कि इस बेस को जितना ज़्यादा हो सके उतना फोड़ना पड़ेगा। तो कहाँ से हम लूट करेंगे ये मेरा प्रॉब्लम है। शायद हम इस साइड से कर देंगे क्योंकि हीरो उधर है और किंग भी उधर ही है। तो भाई कर ही देते हैं, वहाँ पे कुछ है नहीं, वो लेकर सुने गए अंदर। हीरो किंग ये गए, उसके बाद बॉलर को छोड़ देता हूँ, यार बहुत काम करते हैं मेरे बॉलर। उसके बाद ये थोड़ा राउंड अप में और हो जाए, बहुत बड़ा काम हो जाए इसके साथ। और ये अपने हीरो मराठा, इसने बहुत बड़ा काम किया अपने, इस किसके लिए छोड़ दिया अपने। और ये रहा पॉइजन, ये यहाँ पे रेज डालना पड़ेगा मेरे को लगता है, हील का काम है यहाँ। किसको हील किया मैंने वहाँ पे, कुछ भी तो हील नहीं हुआ वहाँ पे। तो ये यहाँ पे जरूरत थी हील की, यहाँ पे एक रेस स्पेल जाता हुआ, दूसरा हील स्पेल ज्यादा हुआ, गैंड मर रहे थे अपने। और ये अपन जम स्पेल डाल देंगे यहाँ पे, बाहर निकालो भाई विजर्ड, बाहर निकलो वहां से जल्दी से। और ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे, रेस स्पेल डाल रहे फाइनल। अब पूरा का पूरा दारमदार यही है कि आर्चर टावर अगर कुछ कर सके, मतलब आर्चर अपने बचे हुए हैं कुछ कर सकेंगे तो कर लेंगे, वरना लग तो कुछ नहीं रहा है यहाँ तक। और ये बहुत बड़ा ही डेफिनेटली होगा ये अटैक। तो काफ़ी हद तक हमने अगर इस लूट में काफ़ी ले लिया है, और इस लूट में अगर लगभग अगर देखा तो 3 स्टार हो ही चुका है। तो बहुत बढ़िया अटैक हुआ है, और ये क्लीनअप के साथ ही मिलता हूँ मैं आपको, बहुत बड़ा क्लीनअप करने के बाद। तो एक और बेस अगर आपको उनको मिला तो मिलते हैं भाई, बेस मिला तो एक और आपको अच्छा खासा। तो भाई यहाँ पे एक और बेस मिल गया है जिसमें कि काफी हद तक बहुत ज्यादा ही लूट है। और इसकी लूट भी अगर देखा जाए तो पूरी मतलब कि गोल है, मतलब गोल साइड में है। तो इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा किस साइड हम किस साइड से अटैक करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफी लूट होती है इस साइड पे, तो हम पहले उस साइड को क्लियर करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इस साइड से भी काफ़ी लूट है, उधर से आर्चर से लूट ले लेंगे और जितनी मिल सके उतनी ले ही लेंगे भाई, कुछ अपन बकचोदी नहीं मिलेंगे यहाँ पे। तो ले लेंगे लूट भाई, लूट ले ही लेंगे, क्यों छोड़ देंगे लूट को। तो ये अच्छी काम हुआ यहाँ पे, आर्चर में ज़्यादा लेके आए, पहली बार मेरे को आर्चर का काम आया, वरना काम ही नहीं आते आर्चर में। फिर अपने को चाहिए बिल्कुल हीरो वगैरह के लिए, और यहाँ से तो अपन मतलब कि अटैक ही करने वाले हैं। तो दो चैंड इधर, उसके बाद दो और आप कई गए यार, कैसे कई गए हैं, एक और करना पड़ेगा मेरे को। भाई ये तो लगभग मतलब इन्होंने कर ही दिया भाई, इधर तो काम आ गया अपने को, लेकिन इनका प्रॉब्लम मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा। तो इधर से हमको जो है ऐसा थोड़ा सा स्प्लिट्स में करना पड़ेगा, अपन हारे या जीते भाई अपने को लूट तो लेके आनी है। और ये अपने जो दो गए हैं वहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जम गया, ये गए आपके साथ मार्केट की। और ये यहाँ पे दो वॉन्ट एक ये डाला यहाँ पे हिली, अभी गिरना भाई हिल, बहुत ही लेट गिर गया है हिल, काम ही तो ये है मेरे, कुछ काम नहीं आएगा हीर अपने को, लेकिन आ गया तो बहुत बड़ी बात।
और कुछ है नहीं यहाँ पे, ये गोल्ड माइन है तो ले लेंगे उस पर लूट अपने आर्चर्स के साथ। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कार के लिए जर बचा हुआ है ड्रिल अगर दिखा रहे हैं तो वहाँ पे तक लूट मिल सकती है, तो वहाँ तक तो मेरे को नहीं लगता जाने वाले भी हैं। तो फालतू में कुछ करने से अच्छा है हम वापस ही आ जाते हैं। और आ गए हैं हम, और अगर देखा जाए तो अब हम बेस में जाएंगे और काफी जो बचा हुआ है अपग्रेड डाल देंगे, देख सकते हैं क्या क्या बचा हुआ है। तो और देखा जाए तो 6 मिलियन हो गए हैं अपने, तो 70 का डालना था लेकिन अभी 60 ही है। 6 मिलियन से हमें क्या डालना चाहिए यार, मेरे को 5 से तो विजार्ड डालने वाला लग रहा है, तो 5 से विजार्ड डाल देंगे, काफी हद तक बड़ी की इंटरेस्टिंग बात होगी। और 5 से हम डाल देंगे तो बिल्कुल डाल ही देंगे। तो ये गए भाई अपना, और तो अभी भी थिंग है वहाँ पर, मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा उसको, बाद में कभी यूज़ कर लेंगे। और यार बुक ऑफ बिल्डिंग है अपने पास, और वो बुक ऑफ हीरो है, बुक ऑफ बिल्डिंग है, तो बुक ऑफ बिल्डिंग से हमारे पता नहीं आर्चर टावर है तो क्या नहीं करने वाले यार। आर्चर टावर ये ऐसा करो ये लगा देते हैं, मतलब ये हो जाएगा, 7 दिन लगेंगे उसको, वो जान लो 35 में ये गया। और ट्रेजरी से कलेक्ट कर लेते मतलब कि कुछ अच्छा रहा तो हम वो भी डाल देंगे। तो और कुछ दिख नहीं रहा वैसे मेरे को, ये डालना पड़ेगा शायद मेरे को। 35 का है ये आर्चर टावर, तो गया है आर्चर टावर। तो ऊपर देख लो 3 बिल्डर बिजी हो चुके हैं हमारे, और यहाँ पे लेवल 7 का बार रिंग, और यहाँ पे लेवल 8 की चेकलिन, तो हमें फार्मिंग तो करनी है भाई, तो डालना तो पड़ेगा। 6 दिन है और इसके 1 दिन बाद थे, तो मैं पहले इसी को डाल देता हूँ। तो अभी हमारे पास इसके लिए बच्चे नहीं है, तो गया अपना हीरो। और ये थी भाई आज की वीडियो, आपको अच्छी लगी हो तो भाई लाइक मारो, एम करते हैं 120 लाइक का। आज तक मैंने इतना बड़ा लाइक एम कभी नहीं रखा, लेकिन भाई कर दो, जल्दी कर दो। अगर आप इसी तरीके से और से जैसे की वीडियो चाहते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और उस घंटे का दबा दो यार, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।